मुझे हर्ष बिल्कुल नहीं पसंद। बिल्कुल नहीं पसंद? बिल्कुल नहीं पसंद यार, मेरे को ठीक लगा था, बट आज अचानक से सुबह आया और अब बिना पॉइंट के लड़ने लग गया। तनी मैम ने बस बोल के दिया कि गाइस वी आर हियर टू एक्सप्लोर। अब सब एक्सप्लोर देने के बहाने बस एक्सप्लोरिंग ही जा रहे हैं। बहाना चाहिए था। बहाना चाहिए था। मेरे पास लड़कियों की लिस्ट है, मैं इसको शॉर्टलिस्ट कर रखा है, इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हूं। हेलो गाइस, दिस इज योर इनसाइडर आमिर उर्फ क्यूपिड और आज हमारे पास है आकृति। क्या बात है, कैसा है माहौल पिछला का? बहुत अच्छा है, अभी तक तो अच्छा जा रहा है सब कुछ। लाइक पहले दिन मुझे अपना लाइक ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन मिल गया है। लेट्स सी आगे जो भी होता है देखते हैं। ऐसा लग रहा है, लग रहा है बस ऐसा, क्योंकि अब यार एक दो दिन में कैसे पता चलेगा। तो हाँ, फर्स्ट डे जो मुझे पसंद था उसने भी मुझे ऐसा लगता है मुझे पसंद करता है वो कहीं ना कहीं। तो हाँ, अच्छा चल रहा है सब, अभी लड़ झगड़ रहे हैं, मेरा वाला सेट है। अपना मेरा वाला सेट है, शांत है। कौन है तुम्हारा वाला, जरा बोलो। जस्ट वन। हाय हाय, जस्ट वन। हाय हाय, अच्छा नाम है ना? हाँ, बहुत अच्छा नाम है लड़का। अच्छा कहते हैं मुझे जैज बुलाओ। जैज बुलाओ, जैज। और वो आपको क्या बुलाती है? फिर बुलाता है सॉरी आकृति। आकृति आँख नहीं बुलाता क्या तुमको? आँख नहीं, मैंने कहा अभी आकृति बोलो, आगे देखा जाएगा। सही, आज हमारे पास एक सेगमेंट है प्रेडिक्शन। ओके, देखो मेरे को तो सब चीजों में आसमान से आया हूँ, सब पता है मेरे को क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन आप कुछ चंद सवाल का जवाब दो मुझे, बहुत इजी है प्रेडिक्ट करके कि ये बंदा क्या है वो है। आपसे क्वेश्चन, पैसा मिलेगा क्या इसका? सब मिलेंगे आपको, बस मेरे को अच्छा जवाब दे दो। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, हु डू यू थिंक विल बी अ कनेक्शन टिल एंड ऑफ दिस ईयर? वो मुझे पता है। तो मुझे लगता है अभी तक शिवित अनिका का बनाया कनेक्शन। हाँ। और एक और बनाया, नया नया कनेक्शन आया है, हर्ष और रुशाली का। लाइक दे लुक हॉट टुगेदर ऑनेस्टली। ठीक है, बट इन दोनों में कॉम्पिटिशन है। मुझे लगता है शिवित और अनिका का चल सकता है, मतलब टिका हुआ है वो उसका, चल सकता है स्ट्रॉन्ग। मतलब मैं देखती हूँ ना, वो लोग जब बात करते हैं तो बॉन्ड दिखता है यार उनमें, केमिस्ट्री दिखती है मुझे। Who do you think gonna be your three best friends? Three best friends? अरे ये तो बहुत इजी है। बोलिए। First अनिका, second गुल्लू, like चुलबुल उसका नाम है। गुल्लू? गुल्लू बुलाती हूँ मैं, उसका नाम चुलबुल है। ठीक है, एंड थर्ड इज खनक। खनक ये मतलब ये तीन की यारी सब पे बारी, सब पे बारी। लाइक हाँ यार, हम लोग वाइब कर जाते हैं भाई, हम लोग आते हैं भाई, कहाँ कहाँ से गॉसिप, सारी बताओ क्या चल रहा है। हाँ, और ये चेंज होने वाला है कि अंतर ये यही सेम रहेगा तुम्हारे हिसाब से? देखो मुझे ऐसा लगता है ये लोग सिचुएशन ऐसी बना देते हैं कि ग्रुपिज्म ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाता। वो तो लग बाय चांस है कि अपना दोस्त अपने उस पे खड़ा रहेगा कि नहीं भाई मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा दोस्त के ऊपर। या सो आई फील लाइक हम तो, मैं तो अपने साइड से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेट्स सी वो लोग उनके साइड से क्या होता है। कोशिश तो जारी होनी। या Who do you think will be your enemy by end of the season? Like लड़का लड़की में से कोई? आपका मारे दुश्मन कोई भी बन सकता है, लड़का लड़की। Honestly मैं बताऊँ, मुझे हर्ष बिल्कुल नहीं पसंद। बिल्कुल नहीं पसंद? बिल्कुल नहीं पसंद यार, मेरे को ठीक लगा था, बट आज अचानक से सुबह आया और अब बिना पॉइंट के लड़ने लग गया। हाँ। मेरा मूड खराब हो गया यार। तो मतलब वो दुश्मनी उससे हो सकता है? वो मतलब है उसके मन में कि मुझे लड़ना है, तो मुझे ऐसे लोग फालतू में पसंद नहीं आते। Who do you think will be an ideal match? Okay, अपना तो अभी नहीं बताती हूँ मैं। क्या उसका भी बोल सकते हो? मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको लगता है तुम्हारा ideal match बन जाएगा? I think yes, बन सकता है। मुझे ऐसा लगता है बन सकता है। और आपके अलावा और कुछ क्या लगता है? वही सेम जो आपके कनेक्शन ने बोले, वो उसका आपका अनिका और शिवे का भी बन सकता है शायद। हाँ, फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा आपका ना, आपका भी आइडियल मैच। मैं तो चाहती हूँ कंपटीशन बढ़े, यू नो, तब मजा आता है कि भाई किसमें कितना है दम। यारी में दरार आ गया तो कोई नहीं यार, सब खेलने आया है। इवन अनिका शिवित भी इज लाइक कि चल भाई कंपटीशन करते हैं, तब मजा आएगा। सही है, फिर या फेयर कंपटीशन करना चाहिए तो। Who do you think will backstab you? पीछे से खंजर मारने वाला कौन है जो आप भरोसा करते हो और चांसेस है कि ये आगे जाके पीछे से खंजर मार सकता है या मार सकती है? मार सकता है, मार सकती है। आई वोंट लाई, जैसे आज हर्ष आया था ना, उसकी बातें पता कैसी होती है, वो खुद ही की बातों में फंस जाता है बंदा। लेकिन आपको उसके ऊपर भरोसा तो नहीं है कि वो बैकस्टैब करेगा आपको? मेरे को लाइक अगर
मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उससे दोस्ती भी बनाऊंगी ना तो वो भाई गेम के लिए कर देगा भाई, वो दोस्ती का लायक भी नहीं है, वो इतना शॉर्ट हो कर देगा वो। हाँ, Who do you think will have multiple connections? अरे बाप रे, इतने सारे हैं सबके सब। मुझे लगता है आई थिंक देयर इज वन गर्ल कनिका, लाइक मेरी फ्रेंड है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना, तो वो भी लगी है भाई, मैं भी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। लड़के भी बोल रहे मैं भी, आज पता है कंपटीशन क्या चल रहा है, सनी मैम ने बस बोल क्या दिया कि गाइस वी आर हियर टू एक्सप्लोर, अब सब एक्सप्लोर देने के बहाने बस एक्सप्लोर ही किए जा रहे हैं। बहाना चाहिए था, बहाना चाहिए था, जगह जगह पे मुंह मारने का, तो मिल गया वो लोग को, सब एक्सप्लोर कर रहे हैं। Who do you think will be the biggest flipper this year? Flipper? Yes. Okay. आई थिंक यार फ्लिपर में तो कुछ लड़के हैं जिनके अभी तक कनेक्शन नहीं बने हैं, है ना, तो जैसे एक आयुष्मान है, आयुष्मान है ना, तुमको ज्यादा मालूम रहेगा, तुम रहते हो वो विलन, आयुष्मान, आयुष्मान नाम का लड़का है ना कोई, है ना, है, हाँ वही वही मुझे लग रहा है। फ्लिपर क्यों लगता है आपको? क्योंकि उसने आज एक बात बोली थी कि मेरे पास लड़कियों की लिस्ट है, मैं इसको शॉर्टलिस्ट कर रखा है, इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हूँ, ये है वो है फलाना है ढमकाना है, तो मुझे लगता है एक लड़की को चुनने के चक्कर में उसको तीन लड़कियों को फ्लिप करना पड़ेगा जो उसने बोली है बातें, सो कहीं ना कहीं वो फ्लिपर लग रहा है मुझे, खेल रहा है बंदा, खेल रहा है मतलब। Would you think we'll definitely have your back in the dumping ground? मतलब आप अनसेफ हो, ये कुछ भी करेंगे आपको सेफ करने के लिए? नो डाउट अनिका, नो डाउट अनिका, अनिका वो सेम उसके लिए भी रहेगा तुमको लगता है, मतलब अगर या 100% पक्की बात, पक्की बात है। Who do you think is the weakest contestant this season? मतलब लाके कुछ फायदा नहीं है लोगों को, मतलब पिछला के कुछ फायदा नहीं, फायदा नहीं यार, weakest मुझे नहीं पता, सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी है, अपनी अपनी है, ठीक है। मैं वीकेस्ट मैं बता सकती हूँ, कुछ कुछ इमोशनली थोड़ा वीक होते हैं, मुझे लगता है वही वीक होंगे इस शो में, तो उसमें से मेरी फ्रेंड है गुल्लू, लाइक चुलबुल, बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, वो नहीं चाहती कि किसी का बुरा हो, उसने इवन दो मेरा जो मेरा जो कह रही हूँ मतलब जसविंत है, तो उसने बोला कि कृति तूने उसे चूज किया था इसलिए मैंने चूज नहीं किया, तो मुझे लगता है वो थोड़ी सी है काइंड हार्टेड कि मेरी वजह से किसी और का कनेक्शन नहीं टूटे, तो वो इन सब चीजों में वीक पड़ सकती है। आपका लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, हु डू यू थिंक विल बी द मोस्ट यूज्ड कंटेस्टेंट दिस सीजन? यूज्ड, यूज करके फेंक दिया मतलब के सब उसके साथ मतलब की दोस्ती बनाएंगे, मतलब की दोस्ती, आई मीन सच बात बताऊं रोडी से कुछ लोग जो आए ना भाई, कुछ लोग तो ना यार सच में ऐसे आ रहे कि दोस्ती बना लेते हैं लोगों से, इनको थोड़ा प्रॉफिट होता है यू नो शो में, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम लोगों को गलत लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा यू नो बेनिफिट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी खेलो, तुम भी पॉइंट आउट करो चीजें, रोडीज वालों को क्या होता है ना कि भाई तूने बोला कैसे, समझ रहे हो, तो चीजें बढ़ जाती हैं, तो अगर आप लोग भी ट्राई करोगे तो डेफिनेटली यार आप भी शो में आओगे दिखोगे, बट ऐसा मत सोचो कि रोडीज वालों को यू नो कुछ अलग सी प्रायोरिटी मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं, सब है एक ही प्लेटफॉर्म, तो हाँ तो सब लोग को लगता है कि इन लोगों से दोस्ती बनाएंगे तो थोड़ा दूर तक जाएंगे, तुम खुद पे खेलो यार, गलत फहमी है तुम लोगों की, बहुत मजा अच्छा है, गलत फहमी पालो यार, तुम पालते रहो, हम ट्रॉफी ले जाएंगे, ट्रॉफी लेके जाएंगे, सही है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आकृति, आई होप यू आल्सो हैड फन, यस फुल पावर, बहुत जल्द मिलेंगे मैं आपसे, ऐसा तो छोड़ने वाला नहीं हूं मैं आपको, ठीक है, एंड यू गाइस स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग एमटीवी स्पेशल 15।